छात्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं संज्ञा का व्याकरण। जो व्याकरण देखने वाले हैं उसका नाम है संज्ञा। तो देखिए, हमारे आसपास बहुत से ऐसे चीजें होती हैं जिनको हम पहचानते हैं। आपको भी पहचानते हैं। क्यों पहचानते हैं आपको? हमें पहचानते हैं। क्यों पहचानते हैं? हमें जो नाम दिया है उसके कारण हम पहचानते हैं। देखो, यहाँ पर ये चीज है मेरे हाथ में, वो क्या है? पेन है, बराबर है। ये क्या है जिसको हम फलक पर लिखते हैं? क्या है ये? तो ये है खड़ी, इसको खड़ी कहते हैं। इसको अलग अलग नाम दिए हैं, इन नामों की वजह से हम उन चीजों को पहचान सकते हैं। हमें भी नाम दिया है, हमारे नाम के कारण हम एक दूसरे को पहचानते हैं। अगर नाम नहीं होते तो सोचो क्या होता। देखो, पंखा चल रहा है, पंखे की तरफ हम देखते हैं और उसको पहचानते हैं, ये पंखा है। दरवाजा, दरवाजा को पहचानते हैं। दीवार है, दीवारों को पहचानते हैं। घर, दुकान, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, स्थान है, वस्तु के नाम है, प्राणियों के नाम है, मनुष्यों के नाम है, और अलग अलग नामों के कारण हम अलग अलग चीजों को पहचानते हैं। तो देखिए, नामों को ही संज्ञा कहा जाता है। इस संज्ञा की परिभाषा यहाँ पर दी है, वो देखते हैं क्या है। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा मन के भाव को संज्ञा कहते हैं। किसको संज्ञा कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा मन के भाव, इनको संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर एक अनुच्छेद दिया है, इस अनुच्छेद के द्वारा हम इसे और स्पष्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर अनुच्छेद पढ़ता हूँ। हरीश रेलगाड़ी से आगरा गया, वहां उसने ताजमहल देखा और उसकी सुंदरता देखकर हैरान रह गया। तो यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे हैं जो संज्ञा शब्द हैं, इनको हमें पहचानना है। देखिए, वो शब्द क्या है? पहला है हरीश। हरीश क्या है? एक लड़के का नाम लग रहा है, तो हरीश यह लड़के का नाम हुआ, सब व्यक्ति का नाम हुआ। रेलगाड़ी, यह हमें लगता है कि कोई वस्तु है, तो रेलगाड़ी के नीचे हमें रेखांकित किया। यहाँ पर देखिए आगरा, आगरा से पता चलता है एक शहर का नाम है, मतलब एक स्थान का बोध करा रहा है ये नाम, इसलिए आगरा के नीचे हमने रेखांकित किया। तो इस वाक्य में हमें तीन संज्ञाएं मिली, एक है हरीश, रेलगाड़ी और आगरा। यहाँ पर दूसरे वाक्य में देखिए, वहां उसने ताजमहल देखा। ताजमहल पता है ना आपको? ताजमहल, ताजमहल अब नाम लिया तो हमें झट से हमारे सामने ताजमहल की आकृति खड़ी होती है, ताजमहल दिखता है हमें अपने आंखों के सामने। तो यहाँ पर ताजमहल एक ही होने के कारण उस ताजमहल को हम पहचानते हैं। उसका नाम लेने से ही झट से हमारे हमारे आंखों के सामने वो आकृति तैयार हो जाती है और उसकी सुंदरता देखकर हैरान रह गया। देखो, ताजमहल देखा और उसकी सुंदरता देखकर हैरान रह गया। तो यहाँ पर उसकी क्या देखी उसने? सुंदरता। ताजमहल की देखी सुंदरता, तो यहाँ पर एक भाव है सुंदरता, तो ये भी यहाँ पर दर्शाया है। ताजमहल यह वस्तु का नाम है, तो देखिए सुंदरता यह मन का भाव है। तो यहाँ पर हमें जो संज्ञा मिलती है, इससे अलग अलग संज्ञाएं होने के कारण इसके तीन भेद किए जाते हैं। इस संज्ञा के तीन मुख्य भेद है, एक है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक और तीसरा है भाववाचक। ऐसे तीन भेद किए जाते हैं और अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण इसके और दो भेद किए जाते हैं, वो है द्रव्यवाचक और दूसरा है समूहवाचक, जिनका समावेश जातिवाचक संज्ञा में किया जाता है। तो हम इनके मुख्य तीन भेदों के बारे में अभी देखेंगे। वो भेद है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक और तीसरा है भाववाचक। इन तीन भेदों के बारे में अभी हम जानकारी लेंगे। देखो, संज्ञा के ये तीन भेद है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ये मुख्य तीन भेद हैं। और जो भेद है वो इसमें समाये जाते हैं, जातिवाचक संज्ञा में समाये जाते हैं, वो है द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा। इनका समावेश इस जातिवाचक संज्ञा में किया जाता है। मुख्य रूप से ये तीन ही संज्ञाएं मुख्य रूप से यहाँ पर भेद दिखाए जाते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा में देखिए, यहाँ पर मात्राएं ठीक से देखिए, नाम अच्छी तरह से
लिखो नोटबुक में आपके, व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसमें उसकी परिभाषा देखिए, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इनके बारे में जो शब्द बोध करा रहा है उसको ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए पहला ही उदाहरण है, महेंद्र सिंह धोनी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है, महेंद्र सिंह धोनी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है। तो यहाँ पर एक विशेष नाम दिया है उसके ही उस पर ही हमारा ध्यान जाता है ज्यादातर। तो यहाँ पर देखिए महेंद्र सिंह धोनी, इसके ऊपर ही ज्यादा ध्यान जा रहा है हमारा, वो व्यक्ति हमारे सामने आ रहा है, तो इसकी यह एक विशेष नाम है और विशेष नाम होने के कारण इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाएगा। हमारे नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। राधा कहानी लिख रही है, तो यहाँ पर एक लड़की का नाम है राधा, तो राधा यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। देखो यहाँ पर तीसरा उदाहरण दिया है, महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है, तो बहुत से राज्य है पर एक महाराष्ट्र का नाम यहाँ पर दिया है, गुजरात है, दिल्ली है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, ऐसे बहुत से राज्य है। देखो अभी गुजरात दिया गया तो गुजरात ही हमारे सामने आता है, महाराष्ट्र दिया तो महाराष्ट्र ही हमारे सामने आता है, दूसरा नहीं। तो इसलिए महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है, यह महाराष्ट्र व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो एक विशेष व्यक्ति का स्थान हो सकता है, किसी विशेष स्थान के बारे में जानकारी दी गई हो, या फिर किसी विशेष वस्तु, विशेष व्यक्ति, या फिर किसी विशेष स्थान के बारे में जो जानकारी देने वाला शब्द हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा का दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा, तो इसमें इसकी परिभाषा है जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके पहले आपने व्यक्तिवाचक संज्ञा में देखा कि किसी विशेष व्यक्ति, मतलब एक ही व्यक्ति के बारे में बोध हो रहा था, पर यहाँ पर संज्ञा की पूरी जाति का बोध हो रहा है, किसी विशेष किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के संपूर्ण जाति का यहाँ पर बोध हो रहा है उसको जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण के द्वारा हम और समझाते हैं, मैदान में कुछ लड़के बात कर रहे हैं, मैदान में कुछ लड़के बात कर रहे हैं। मैदान तो बहुत सारे होते हैं, आपके यहाँ पर कोई मैदान होगा, हमारे विद्यालय में एक मैदान है, तो ऐसे बड़े बड़े जगहों को मैदान कहा जाता है। तो मैदान एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है क्योंकि मैदान तो बहुत सारे होते हैं। इस मैदान को अगर कोई नाम दिया गया तो मैदान, जैसे कि गोलीबार मैदान, आपको जब से पता चला कि गोलीबार मैदान में हमें जाना है तो आप वही जाएंगे, दूसरे मैदान में नहीं जाएंगे। तो इसको अगर कोई नाम रखा गया तो ही वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो सकता है, पर यहाँ पर सिर्फ मैदान है इसलिए मैदान यह जातिवाचक का उदाहरण है। यहाँ पर मैदान में कुछ लड़के, तो किसी एक लड़के का नाम दिया है क्या? नहीं, पूरी संपूर्ण जाति का यहाँ पर बोध हो रहा है इसलिए लड़के यह शब्द भी जातिवाचक का उदाहरण है। यहाँ पर देखिए हमें मौसमी फल खाने चाहिए, हमें मौसमी फल खाने चाहिए। यहाँ पर फल यह शब्द जातिवाचक संज्ञा का है क्योंकि फल तो बहुत सारे होते हैं, है ना, संतरा, आम, काजू, ऐसे बहुत सारे फल होते हैं, तो यह फल जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। उन सभी के लिए, आम को, काजू को, अनन्नास को, या फिर चीकू, ऐसे बहुत सारे जो शब्द है, फल है, उनके अलग अलग नाम है पर उन सभी को क्या कहा जाता है? फल। उस संपूर्ण जाति को यह फल यह शब्द है इसलिए फल यह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। मेरा घर विद्यालय से दूर है, यहाँ पर घर और विद्यालय, ऐसे दो शब्द यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण दे रहे हैं। विद्यालय का नाम दिया है क्या? नहीं, तो विद्यालय, हमारे यहाँ पर एक विद्यालय रोटरी स्कूल, अगर ऐसे कहा गया रोटरी विद्यालय तो रोटरी विद्यालय किसमें जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा, पर यहाँ पर विद्यालय, सिर्फ विद्यालय दिया है। और घर, घर तो बहुत सारे होते हैं, हमारा घर होता है जैसे कि आपका घर होता है उसको भी घर कहा जाता है और हमारे घर को भी घर कहा जाता है, तो इसीलिए घर यह शब्द पूरी जाति को दर्शा रहा है, यहाँ पर विद्यालय शब्द पूरी जाति का बोध करा रहा है, इसीलिए जातिवाचक संज्ञा में उसको
उसको जातिवाचक संज्ञा से पहचाना जाता है। तो यहाँ पर यह जातिवाचक संज्ञा पूरी होती है। उसके उदाहरण ठीक से देखो, उसकी परिभाषा अच्छी तरह से देखो और अपने नोटबुक में लिखो। इसके पहले जो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा है वो भी अपने नोटबुक में लिखो। संज्ञा का तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। इसमें देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के गुण, दोष, दशा या अवस्था आदि का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर तीन वाक्य दिए हैं, उन तीन वाक्यों से हम पता करते हैं कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। फूल की सुगंध बहुत अच्छी है, फूल को क्या है, सुगंध है, सुगंध आ रही है उसका, इसलिए सुगंध यह शब्द, सुगंध यह शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। फूल की सुगंध बहुत अच्छी अच्छी है। आज मैं बहुत खुश हूँ, यहाँ पर मन का भाव है खुश, ऐसा है खुश हूँ। तो यहाँ पर आज मैं बहुत खुश हूँ, खुश यह शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। यहाँ पर देखिए, बच्चे बचपन में बहुत शरारती होते हैं। बच्चे बचपन में, बचपन यह उनकी क्या है, अवस्था है, इसलिए बचपन यह एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। और यहाँ पर शरारती, बहुत शरारती होते हैं, उनका गुण शरारती है, उनका गुण यहाँ पर दर्शाया है। तो किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति, किसी स्थान और वस्तु के गुण, दोष, दशा या अवस्था, इनको दर्शाने वाले जो शब्द रहते हैं उनको ही भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। यहाँ पर जो भाववाचक संज्ञा की परिभाषा है वो अपने नोटबुक में लिख कर लो। और जो उदाहरण दिए हैं, हर एक के तीन तीन उदाहरण मैंने दिए हैं, व्यक्तिवाचक के तीन, जातिवाचक के तीन और भाववाचक संज्ञा के तीन उदाहरण, ये सब अपने नोटबुक में लिखो। तो यहाँ पर हमारा संज्ञा, यह व्याकरण का जो भाग था वो पूरा हो चुका है।